कभी भी अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करे जीवन भर, सिर्फ बचपन में नहीं। वो बच्चा इंडिविजुअल है, आत्मा है, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपना भाग्य लेकर आया है, और उसकी पेरेंटिंग, उसकी पालना इंडिविजुअली की जाएगी। कि वो जो कर्म और संस्कार, जो कैपेसिटी, जो क्षमता, जो टैलेंट, जो स्किल, विशेषताएं जो लेकर आए हैं, उसकी पालना करनी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, उसके संस्कारों को और श्रेष्ठ बनाना है, लेकिन इन रेफरेंस टू द चाइल्ड हिमसेल्फ, मतलब उस बच्चे के रेफरेंस में ही उसको और श्रेष्ठ बनाना है, किसी और के रेफरेंस में नहीं। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं, जीवन भर नहीं। दूसरा, क्रिटिसिज्म, सिर्फ शब्दों में नहीं, संकल्पों में भी नहीं। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होता, ये बहुत स्लो है, ये नीट नहीं है, ये पढ़ता ठीक नहीं है, ये खाता ठीक नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट्स, संकल्प से सिद्धि होती है। जो संकल्प हम करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, वो हमारे लिए सिद्ध हो जाते हैं। और इसी तरह पेरेंट जो बच्चे के लिए संकल्प करते हैं, वो बच्चा वो संकल्पों को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फिर वो बच्चा खुद के लिए भी वो संकल्प करना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट ने बचपन में बहुत बार ये सोचा होता है, ये स्लो है, ये स्लो है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये तो गिरा ही देता है, इसके हाथ से तो चीज ही टूट जाती है, ये पढ़ने अभी बैठेगा लेकिन अभी ये उठ जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकता है, दीज रिपीटेड लाइन्स उस बच्चे के लिए एक लेबल बन जाती है। हमारे ऊपर जो लेबल्स लगते हैं, वो मेजोरिटी लेबल्स बचपन में लगते हैं, एंड मेजोरिटी लेबल्स हमारे पेरेंट्स हम पर लगाते हैं, और उन लेबल्स को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आज हम 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं, लेकिन हम में से कई अपने लेबल्स को बदलते ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है यही हम हैं, क्योंकि हमने किसने बताया कि यही हम हैं, हमारे पेरेंट्स ने। और पेरेंट्स तो सही बात बोलते हैं, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम ऐसे हैं, तो हम ऐसे हैं। ये व्यक्तित्व बन जाता है बच्चे का। इसलिए पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे पर हमेशा पॉजिटिव लेबल्स लगाएं, पॉजिटिव लेबल्स लगाएं, जो आप चाहते हैं कि वो बने वो लेबल लगाएं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा थोड़ा स्लो है, और थोड़ा स्लो भी किसके रेफरेंस में आप देख रहे हैं, किसी और के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझो कि थोड़ा स्लो है, टाइम लगाता है अपनी हर चीज करने में, इधर से उधर कुछ करना है, रखना है, बीच में रुक जाता है, बैठता है, थोड़ा सा स्लो है। ओके, है, दिस इज अ रियलिटी, लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। विच मीन्स अगर हम बार बार ये सोचेंगे, बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसके बारे में औरों को बोलेंगे, विच मीन्स परिवार अगर आपस में डिस्कस करेगा कि बड़ा स्लो है, इसका बड़े होकर क्या होगा, ये पढ़ाई कैसे करेगा, ये औरों के साथ कंपीट कैसे करेगा, ये अगर हम सोचेंगे, बोलेंगे, आपस में बोलेंगे, ये करेंगे, तो वो बच्चे का लेबल बन जाएगा, और वो बच्चा जीवन भर अपने लिए संकल्प करेगा, नहीं मुझसे जल्दी नहीं होता, आई एम स्लो, आई एम स्लो। वो लेबल उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यही हम बच्चे पर क्या लेबल लगा सकते थे, हम बच्चे पर लेबल लगा सकते हैं, यू आर परफेक्ट, यू डू एवरीथिंग परफेक्टली, एक्यूरेट है आपका हर कर्म, आप देखो आपने कितनी जल्दी ये कर लिया, चाहे उसने स्लोली किया हो, उसका कर्म स्लो है, हम उसको वाइब्रेशन स्लो वाली नहीं देंगे, क्योंकि अगर वाइब्रेशन में स्लो शब्द दे दिया, तो वो वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करके उसका कर्म हमेशा स्लो रह जाएगा या और स्लो बन जाएगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि। तो जो दिख रहा है वो नहीं सोचना और बोलना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना और बोलना, ये हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन सिखाती है। परमात्मा हमारी पालना कैसे करते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों की पालना करनी है।
परमात्मा हमें क्या कहते हैं, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, यूर अ पीसफुल सोल, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, यूर अ लवफुल सोल, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम प्योर आत्मा हो, हम होते कहाँ हैं? लेकिन परमात्मा कहता है, कहता है, कहता है, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आई एम पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, और धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे परमात्मा हमारी पालना करते हैं, हमें अपने बच्चों की पालना करनी है। यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर एन एक्यूरेट सोल, यू आर एन ऑनेस्ट सोल, यू आर क्लीन, यू आर ऑनेस्ट, यू आर पंक्चुअल। ये नहीं बोलना तुम तो हर जगह लेट पहुंचते हो, तुम तो टाइम पे तैयार ही नहीं होते हो। संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। पेरेंट्स के कहे हुए शब्द, पेरेंट्स की क्रिएट की हुई सोच बच्चे के संस्कारों पर बहुत डीप प्रभाव डालती है और उससे बच्चे का भाग्य बनता है। तो इसलिए बच्चे की पेरेंटिंग, अर्थात पहले यहां की पेरेंटिंग, अगर पेरेंट अपने संस्कारों की पालना कर ले तो बच्चों की पालना तो अपने आप उस वाइब्रेशन में होने लग जाती है। तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई लेबल जो बच्चे पर लगाएं कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, वो लेबल हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का लेबल होना चाहिए, हमेशा प्योर पावरफुल पॉजिटिव लेबल होना चाहिए। जो दिख रहा है वो लेबल नहीं लगाना, जो देखना चाहते हैं वो लेबल लगाना। बच्चों को कभी भी कंपटीशन का संस्कार नहीं डालिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा इस समय, क्योंकि बचपन से सीखते आए ना, लाइफ इज अ कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन का संस्कार बच्चे की क्षमता को पूर्ण रीति उभरने नहीं देता, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने आप को दूसरों के रेफरेंस में ही देखता है। लाइफ एक कंपटीशन नहीं है। वो बच्चा जो आपके घर आया है, वो अपने कर्म संस्कार और भाग्य लेकर आया है, उसको दूसरों से आगे नहीं जाना है। चाहे आप केजी क्लास की बात करें, चाहे आप 10th और 12th के बोर्ड की बात करें, या चाहे जीवन में उसके करियर की बात करें, कभी भी दो बच्चों के बीच, कभी भी दो लोगों के बीच कंपटीशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी क्षमताएं, अपने संस्कार, अपनी विशेषताएं, अपना भाग्य लेकर आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेफरेंस में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ उनका कंपटीशन करते हैं या हम सिखाते हैं उनको कंपटीशन, तो हम उनके अंदर जेलेसी का संस्कार, सुपीरियर फील करने का संस्कार, इंफीरियर फील करने का संस्कार, ईगो का संस्कार, ये संस्कार हम उनको सिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपको उनसे आगे जाना है। हम उनके अंदर ये संस्कार डालते हैं कि अगर आपको उनसे कम मिला तो आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उनसे कम मिला है। तो हम उनके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या संस्कार, कि आप अच्छे तब हैं जब आप अच्छा ये अचीव करते हैं, लोगों से ज्यादा अचीव करते हैं, ये नहीं है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग अर्थात आप बहुत प्योर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और अब आपको अपनी प्योरिटी को, पावर को, अपनी विशेषताओं को और आगे बढ़ाना है। जितना सोल को, आत्मा को स्ट्रांग बनाएंगे, उनकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। जितना वो अपने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन करेंगे, तो शायद आगे बहुत चले जाएंगे, लेकिन वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, वो इमोशनल स्ट्रेंथ जो सोल में होनी चाहिए, वो नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा ही औरों के साथ कंपटीशन करते रह गए। तो कंपटीशन का संस्कार, ये चीज सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, कंट्रोल, ये चार संस्कारों को हर पेरेंट को, हर मदर को बहुत 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 ध्यान रखना है। डिसिप्लिन करना है, लेकिन गुस्से से नहीं। लव एंड लॉ का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, लवफुली डिसिप्लिन करना है उनको। उनके बेनिफिट के लिए क्या है वो समझाकर फिर डिसिप्लिन करना है। तो डिसिप्लिन विद लव, हाथ तो अपने बच्चे पर
कभी भी नहीं उठाना, कभी भी नहीं। गलती हो गई, डिसिप्लिन करने की विधि है, लेकिन हाथ उठाकर नहीं। बच्चे के स्वमान को अफेक्ट हम नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे बच्चे उस एज में आते हैं जब वो अपनी चॉइसेस लेते हैं, वो अपने निर्णय लेते हैं, वो अपना सही और गलत खुद डिसाइड करने लगते हैं, स्पेशली जब टीनेजर्स उस एज में आते हैं, तो हमें बड़ा ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा अपने पेरेंट को हर चीज आकर बताए। ये जो रिलेशनशिप है, इसमें इतनी ऑनेस्टी, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब आप उस आत्मा की हमेशा पालना कर पाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तब वो आकर आपको हर बात बताता है, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे को क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्चुअली तो हर आत्मा को एक्सेप्टेंस चाहिए। आज शरीर कितनी भी आयु का हो जाए, हमें हमेशा लोगों से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। इसी तरह बच्चे को एक्सेप्टेंस चाहिए। तो बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल जाता है, घर आके अपनी हर बात बताता है, तो हम उस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें करता है जो हमें सही नहीं लगती है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा बंक करके पिकनिक चला गया, स्कूल बंक करके मूवी चला गया, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे थे। उस दिन भी उसने आकर आपको सारी बात बताई होगी, हर बात बताई होगी, क्योंकि उसके अंदर तो संस्कार था ना घर आकर अपने मम्मी पापा को हर बात बताने का। लेकिन उस दिन उसने जो किया वो आपकी पेरेंटिंग के साथ मैच नहीं करता था बिल्कुल, और उस दिन पहली बार आपने उसको रिजेक्ट किया। आपने कहा आप गलत हो, आपने ऐसा किया कैसे, क्या हम इसलिए आपको स्कूल भेजते हैं, क्या हमने यही आपको सिखाया है, क्या ये सब बहुत कुछ उस बच्चे को सुना दिया उस दिन पहले दिन। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसको ये आपको नहीं बताना था, उसने तो रोज की तरह अपनी हर बात आकर आपको बता दी थी, लेकिन उस दिन उसको रिजेक्शन मिला। उस दिन जब उसको पेरेंट्स से रिजेक्शन मिलता है, उस दिन उसको फ्रेंड से एक्सेप्टेंस मिलता है। ये बहुत रिस्की है। हम कहते हैं ना, क्यों हमारे बच्चे पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्यों वो अपने दोस्तों का ज्यादा सुनते हैं। हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर हर एक को पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस मिल जाए, फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो उसको दोस्तों के एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होगी। इसलिए पेरेंटल एक्सेप्टेंस बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि बच्चा सही के लिए हमेशा खड़ा होता है, इवन अगर वो बच्चा अकेला है। अलोन, अ चाइल्ड विल स्टैंड फॉर द राइट इवन इफ द चाइल्ड इज अलोन, इफ द चाइल्ड गेट्स पेरेंटल एक्सेप्टेंस। तो जिस दिन उस बच्चे ने पहली बार कुछ ऐसा किया जो उसके लिए सही नहीं था, चाहे पहली बार उसने स्कूल बंक किया, चाहे पहली बार उसने एग्जाम मिस किया, चाहे पहली बार उसने कोई गलत चीज खा ली, चाहे पहली बार उसने कोई नशे की चीज ले ली, पहली ये सब चीजें पहली बार होती हैं। पहली बार वो पालना कैसे देनी है, नरिशमेंट कैसे देना है। उसने जो किया वो उसके लिए गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, उसने जो किया वो गलत है। हमने तो उसको ही उस दिन कह दिया आप गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, हाउ कुड यू डू दिस, बैड बॉय बैड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल डोंट डू दिस। हम ऐसा बच्चे को सिखाते हैं। तो फिर उस दिन वो बच्चे को पहली बार रिजेक्शन मिलता है, दूसरी बार फिर रिजेक्शन मिलता है, तीसरी बार वो बच्चा बताना बंद कर देता है। हमें लगता है उसने करना बंद कर दिया, करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। एंड दैट इज वेयर द जेनरेशन गैप बिगिंस। एक गैप आ गया। हम कहते हम आपको समझ नहीं पा रहे, वो कहते हम भी आपको समझ नहीं पा रहे। हमने कहा जेनरेशन गैप। समझना अर्थात क्या? समझना अर्थात सिर्फ ये कि वो एक आत्मा है। हमें लगता है मेरा बच्चा है तो मैं जो कहूं वो सही है उसके लिए, मैं जो डिसीशन लूं वो सही है उसके लिए। वो एज तो खत्म हो गई। वो आत्मा है, उसकी अपनी सोच,
अपने निर्णय अपने संस्कार हैं और वो अपना भाग्य लेकर आया है। हम उसको सही राय हमेशा दे सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी गलत और बुरा नहीं कहना। उसने जो किया वो गलत है, विच मीन्स आप बहुत अच्छे हो। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, बट वट यू हैव डन इज नॉट राइट। इससे आप अपने कम्युनिकेशन के चैनल को हमेशा ओपन रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चा पीयर प्रेशर के एक्सेप्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जीवन की इस पूरी यात्रा में जरूरी नहीं है कि बच्चा आपका कहना हमेशा माने। आज वो 15 साल का होगा, फिर वो 20 साल का होगा, 30 साल का होगा, उसने अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीशंस लेने हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात हमेशा माने। अब उसके अपने कर्म, उसके अपने संस्कार एक्टिवेट हो चुके हैं। कई बार आपको दिखेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन वो आत्मा आपका कहना नहीं मानेगी कई बार, क्योंकि वो अपने संस्कार और कर्म और अपने भाग्य के परवश चल रही है। कभी कभी बच्चे जब यहां से नहीं मानते हैं तो उनको यहां से वाइब्रेशन भेजिए। हर बात यहां से करके नहीं होती है, इसीलिए पेरेंट्स अगर डेली स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप ये विधि सीख जाएंगे कि कैसे आप अपने मेडिटेशन में, आप साइलेंस में, अपने मॉर्निंग में अपने बच्चों को वो सारे मैसेजेस भेजिए, वो बातें भेजिए, परमात्मा की शक्ति लेकर वो सही कर्म करने की शक्ति भेजिए। फ्रॉम द पावर ऑफ द माइंड सब बातें यहां से नहीं की जा सकती है। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे बच्चे के भाग्य को। आपके बहुत बहुत मनाने पर भी अगर बच्चा कोई ऐसा डिसीशन लेता है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, लेकिन एक बार उसने वो डिसीशन ले लिया और वो कर्म में आ गया, आपको अपने मन की स्थिति को बदलनी होगी। अब आप ये नई सोच क्रिएट कर सकते, मुझे पता है ये गलत डिसीशन है, मुझे पता है ये पछताएगा, मुझे पता है इसका नुकसान होने वाला है, मुझे पता है ये रिश्ता इसके लिए गलत है। दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ये वाइब्रेशन उस बच्चे को जा रही है, ये वाइब्रेशन वो बच्चा अब्सॉर्ब कर रहा है, उसने डिसीशन ले लिया है। आप गलत है वो डिसीशन, डिसीशन लेने से पहले तक कह सकते हैं। एक बार उस बच्चे ने वो डिसीशन ले लिया है, उसके बाद आपको अपना संकल्प एक क्षण में परिवर्तन करना है, और अब डर से चिंता से बदलकर आपको अपने संकल्प को दुआ बना देना है, ब्लेसिंग, कि आपने ये निर्णय ले लिया है, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सफलता आपके लिए निश्चित है। ये ब्लेसिंग बच्चे को दे दीजिए, सिर्फ शब्दों में नहीं, संकल्पों में ये ब्लेसिंग बच्चे को दीजिए। इवन अगर वो बच्चे का कोई कार्मिक अकाउंट आया है जो थोड़ा मुश्किल है, उसने कोई ऐसा रिश्ता चुना है जो थोड़ा मुश्किल है, उसने कोई ऐसा करियर चुना है जो थोड़ा मुश्किल है, वो अपने भाग्य में वो लेकर आया था, लेकिन वो उसका पास्ट का भाग्य है जो वो लेकर आया है। लेकिन प्रेजेंट में अगर आप अब उसको ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेसिंग्स मतलब उसके लिए हर थॉट प्योर और पावरफुल क्रिएट करेंगे, उसके संस्कारों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वो अपने प्रेजेंट में उस कार्मिक अकाउंट को बहुत ब्यूटिफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड मैनर में उस कार्मिक अकाउंट को वो बहुत ब्यूटिफुली क्रॉस करेगा। पेरेंट को हमेशा ये याद रखना होगा, आप अपने बच्चे के लिए जीवन परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। एक भाग्य है जो वो बच्चा लेकर आया है, आपके गर्भ में प्रवेश होने से पहले ही वो बच्चा वो भाग्य लेकर आया है अपने पूर्व कर्मों से। आप उसके जीवन को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप उसको उस जीवन में परफेक्टली चलना सिखा सकते हैं, जीवन की हर सीन में परफेक्ट रिस्पॉन्ड करना सिखा सकते हैं, हर परिस्थिति में परफेक्ट कर्म करना सिखा सकते हैं। जैसे फिजिकली
आप अपने बच्चे को लेकर किसी रास्ते जा रहे हैं, आप उसका रास्ता परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। रास्ता तो जो है सो है, आप उसके रास्ते को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में उसको चलाना कैसे है, कैसे हर पत्थर के कैसे मोड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ झुकना है, कहाँ उठना है, कहाँ जंप लेनी है, उस रास्ते पर चलने की विधि आप अपने संकल्पों से, अपनी दुआओं से, अपनी राय से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट खुद के संस्कारों की शक्ति से उस बच्चे को अपने जीवन की यात्रा में चलने की विधि सिखा भी सकते हैं और सही तरीके से चलने की शक्ति भी दे सकते हैं। तो पेरेंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके अपने संस्कार, अपने संस्कार। तो जो संस्कार बच्चों में देखना चाहते हैं, जो संस्कारों की शक्ति उनको देना चाहते हैं, सबसे सहज विधि वो संस्कार अपने अंदर लेकर आए। इसीलिए अगर हर पेरेंट डेली स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन करे, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज सारे विश्व में, इतने सारे देशों में इतने सारे सेंटर हैं, इतने सारे परिवार आते हैं, और हर परिवार अपना यही अनुभव सुनाता है कि जब वो पेरेंट्स मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी रोज स्टडी करना शुरू करते हैं, परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर भरते हैं, अपने अंदर चेंज लाते हैं, पेरेंट अपने अंदर जब चेंज लाते हैं, हर पेरेंट का ये अनुभव है कि जब हमने अपने अंदर चेंज लाया, हमारे बच्चों के अंदर चेंज आ गया, चाहे वो बच्चे कोई भी एज के हो, लेकिन पेरेंट का परिवर्तन बच्चे के अंदर परिवर्तन लाता है। इसलिए पेरेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उसका परिवर्तन हमेशा सही दिशा में हो। तो पेरेंट्स अगर घर पे रोज मेडिटेशन करते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं, आपको अपने बच्चों को अच्छी डाइट देनी है, लेकिन डाइट सिर्फ प्रोटीन्स नहीं होती है, डाइट वाइब्रेशंस होती है। हिंसा वाला भोजन आपके बच्चे के लिए क्या सही है? जहां डर था, गुस्सा था, दर्द था, दुख था, हिंसा थी, मृत्यु थी, क्या वो भोजन आपके बच्चे के लिए अच्छा है? उसको प्यार का, दुआओं का, शांति और शक्ति का बना हुआ भोजन खिलाए। तो जब पेरेंट्स एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो बच्चे के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है और बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बच्चे जरूरी नहीं है तुरंत स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करें या मेडिटेशन करें, लेकिन पेरेंट्स जब घर में रोज मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेडिटेशन के वाइब्रेशंस उनके बच्चों को शक्ति देते हैं। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और घर में शक्ति की जरूरत है, अगर पेरेंट्स मेडिटेशन करते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की शक्ति बढ़ जाती है। पहले पेरेंट्स चिंता करते थे तो बच्चों की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती थी, अब पेरेंट्स पावरफुल हो जाते हैं तो बच्चों की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। तो हर पेरेंट अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये आपकी पेरेंटिंग का हिस्सा है। ये न कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है सेंटर आने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को संभालना है। बच्चों को संभालने के लिए ही मेडिटेशन करना है, क्योंकि संभालना सिर्फ शरीर को नहीं है, संभालना पहले आत्मा को है, संभालना पहले संस्कारों को है। तो आत्मा की पालना के लिए और फिर शरीर का ध्यान रखने के लिए हर पेरेंट को कम से कम 1 घंटा रोज स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन, और घर का वातावरण बहुत प्योर और डिवाइन, और उस घर में हर एक जो सुनता है, पढ़ता है, देखता है, खाता है, पीता है, जब वो शुद्ध होगा तो वो घर स्वर्ग होगा, और जब घर स्वर्ग होगा तो उस घर में बड़े होने वाले बच्चे इस सृष्टि के लिए फरिश्ते बनेंगे। तो आपको सिर्फ बच्चे बड़े नहीं करने हैं,
आपको इस दुनिया के लिए फरिश्ते सत्योगी आत्माएं इस सृष्टि के लिए तैयार करनी है, तो परमात्मा की पालना से खुद अपनी स्थिति को सत्योगी बनाइए और अपनी स्थिति और संस्कारों से अपने बच्चों को फरिश्ता और सत्योगी आत्मा बनाइए। ओम शांति।